बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे YouTube चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 1.2 का दूसरा दर्जा ज़ेल हमज़ात मसावत तरसीमी तरीक़े से हल कीजिए, उसी का दूसरा सा। तो सवाल नंबर सेकंड हम हल करते हैं। सबसे पहले हम सवाल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पेज को दो हिस्सों में बांट देंगे। दो हिस्सों को बांटने के बाद हम क्या करेंगे, मसावत लिखेंगे। इस तरह से हमने पेपर को दो हिस्सों में बांट दिए। बांट देने के बाद हमने क्या करे, उसके बॉक्स बनाए। दो बॉक्स बनाने के बाद उस बॉक्स के ऊपर क्या करे, उसी जो मसावत हम हल कर रहे वो मसावत हम लिख दिए। सबसे पहले हम मसावत क्या लिखेंगे, एक्स जमा वाई मसावी है 5, ये उसी का उसका बॉक्स है। और एक है तो दूसरा बॉक्स बनाए जो है एक्स मनफी वाई मसावी है 3, ये है उसी का बॉक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या मालूम करेंगे, एक्स वाई मालूम करके फिर सेकंड बॉक्स में थर्ड बॉक्स में क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। हम एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 रखेंगे, या फिर हम रखेंगे वाई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, आपकी मर्ज़ी, आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। आप जो रखना वैल्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आप सिक्वेंस में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 या फिर -1, 2, 3, 4, आपकी मर्ज़ी। चलिए हम क्या करें, एक्स की वैल्यू 0 रखें, किस में रखें, मसावत में रखें, तो हम वो मसावत लिख देंगे, एक्स जमा y मसावी है 5 में। क्या हम सबसे पहले क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x मसावी है 0 रखने पर, 0 रखने पर हम x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं, x मसावी है 0 रखने पर, x की जगह हमने क्या करे 0 रख दिए 0। फिर क्या लिखे, जमा के जमा y के y मसावी है 5 के 5, 0 बने तो 0 होता है, y के y मसावी है 5, जमा के 5 है, अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, x कॉमा y है, x की वैल्यू पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0, 5 लिखेंगे। उसी तरह हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हम रखते हैं y मसावी है 1 रखने पर, y मसावी है 1 रखने पर। x का x एज इट इज जमा के जमा, y की वैल्यू हमने 1 रखी, मसावी के मसावी और 5 के 5, x का x एज इट इज, मसावी के मसावी एज इट इज, 5 के 5 भी एज इट इज, जमा का एक मसावी की ये साइड आ गया तो क्या हो गया, मनफी का 1 हो गया। तो x का x मसावी 5 में से 1 गया तो कितने बचे, 4 बच गए, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x मसावी कितनी आ गई, 4 आ गई, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और यहाँ क्या आ गया, 4, 1, यहाँ क्या लिखेंगे, 4, 1। अब उसी तरह हम x की वैल्यू कितनी रख रहे, 2 रख रहे, x मसावी है 2 रखने पर, किस मसावत में रख रहे हम, x जमा y मसावी 5 में x की वैल्यू रख रही है 2। तो पहले शुरू x है इसलिए x की जगह हमने लिख दिए 2 जमा y मसावी है 5, y के y एज इट इज, 5 के 5 भी एज इट इज, जमा के 2 मसावी की ये साइड आ गए तो क्या हो जाते हैं, मनफी 2 हो जाते, इसलिए मनफी के 2, y के y मसावी 5 में से 2 गए कितने बचे, 3 बच गए, कौन से 3 आ गए, जमा के 3। तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 3। क्या मालूम हो गई हमको, y की वैल्यू 3। तो हम x कॉमा वाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2, 3। उसी तरह हम y की वैल्यू यहाँ कितनी रखे, 3 रखे, तो हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो हम y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 3, y मसावी है 3 रखने पर, y हमारे पास मसावत क्या दी हुई है, x जमा y मसावी है 5। तो x का
एक्स एज इट इज जमा के जमा वाई की वैल्यू कितनी रख रही, 3 मसावी 5 के 5, एक्स का एक्स एज इट इज मसावी 5 के 5 भी एज इट इज, जमा की 3 मसावी की साइड आ गई तो क्या हो गए, मनफी के 3 हो गए, एक्स का एक्स एज इट इज मसावी 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2,3। देखिए दोनों बॉक्स भी कितने आ गए, सेम आ गए। हमने पहली मसावत का क्या करें, सोल्यूशन उसका हल लिख लिए, उसका हमें क्या हो गया, बॉक्स के मुहद्दिदीन मालूम हो गए, मसावत के मुहद्दिदीन मालूम हो गए, बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला बॉक्स कंप्लीट करेंगे, सेकंड वाली मसावत हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड वाली मसावत में क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, पहले बॉक्स में एक्स, दूसरे बॉक्स में क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, और तीसरे बॉक्स में क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। अब इस मसावत में हम वैल्यू क्या रखना चाहते, जो भी रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे, आप जो चाहे रखिए, 0, 1, 2 और 3। आप चाहे तो ऊपर रखिए एक्स की वैल्यू, या फिर है तो ऊपर नीचे भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो चलिए हम y की वैल्यू 0 रखे, तो अब हमको क्या करना है, मसावत एज इट इज लिखना है, x मनफी y मसावी है 3, ये मसावत है हमारी, वो मसावत y उसकी वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, y की वैल्यू 0 रख रहे, y मसावी है 0 रखने पर, y मसावी है 0 रखने पर, x के x एज इट इज मनफी के मनफी पे एज इट इज, y की जगह क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, 0 मसावी है 3। 0 मतलब क्या होता है, 0 मनफी का 0 रहो या जमा का 0, 0 0 ही होता है। तो x का x मसावी है 3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मालूम हो गई, x की वैल्यू हमें क्या मालूम हो गई, 3 मालूम हो गई। कब मालूम हो गई, जब हमने x की y की वैल्यू 0 रखे, तो x की वैल्यू कितनी मालूम हो गई हमें, 3 मालूम हो गई। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3,0। अब उसी तरह हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, हम y की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो हम लिखेंगे y मसावी है 1 रखने पर। तो x का x एज इट इज मनफी के मनफी एज इट इज, y की जगह हम क्या रख रहे हैं, y की जगह हम लिख देंगे 1 मसावी है 3 के 3। x का x एज इट इज मसावी 3 के 3 भी एज इट इज, मनफी का 1 मसावी की साइड आ गया तो क्या हो गया, वो जमा का 1 हो गया। तो x का x मसावी 3 और 1 की कितना हो गया, 4। अब उसी तरह हमें x की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, 4। कब मालूम है, जब हमने y की वैल्यू 1 रखे तो हमें x की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, 4। अभी हम यहाँ x कॉमा y में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो x की वैल्यू पहले क्या आई हमारे पास, 4, और y की वैल्यू क्या है बाद में, 1, तो इसलिए 1। अब उसी तरह हम y की वैल्यू क्या करेंगे, 2 रखेंगे, y मसावी है 2 रखने पर। उसी मसावत में हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू रख रहे, तो x का x एज इट इज मनफी के मनफी एज इट इज, y की जगह क्या लिख रहे, 2 मसावी है 3। x का x एज इट इज मसावी 3 के 3, मनफी के 2 जमा मसावी की साइड आ गए क्या हो गए, जमा के 2 हो गए। तो x का x मसावी 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो हमारे पास y की वैल्यू हमने 2 रखी, तो x की वैल्यू कितनी मालूम हो गई हमें, 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5,2। उसी तरह हम y की वैल्यू कितनी रख रहे, 3 रख रहे, y मसावी है 3 रखने पर। तो हम x का x एज इट इज मनफी के मनफी एज इट इज, y की वैल्यू 3 मसावी है मसावत की 3। x का x एज इट इज मसावी 3 के 3, मनफी के 3 मसावी की ये साइड आ गए क्या हो गए, वह जमा के 3 हो गए। फिर x का x एज इट इज 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो कितना जवाब आ गया हमारे पास, 6। कब आ गया, जब हमने y की वैल्यू 3 रखे, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6,3। इस तरह से हमें क्या करना था, सॉल्यूशन उसका हल करना था। इस तरह से हमने मुहद्दिदीन मालूम कर दिए। सवाल क्या था हमारा, दी हुई मसावत का हल क्या था हमारा, हमजाद मसावत तरसीमी तरीके से हल कीजिए। इस तरह से हमें क्या करना था, उसका हल करना था, उसका इसकी दोनों मसावात को हमने हल कर दिए। इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसे अच्छे से हल कीजिए। अब ये दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गए, हमें दोनों मसावात के मुहद्दिदीन मालूम हो गए। अब हमें इसे की क्या करना है, ग्राफ बनाना है, यानी तरसीम पेपर बनाना है। चलिए तरसीम पेपर पे ग्राफ बनाते हैं।
हमने एक ग्राफ पेपर ले लिए, ग्राफ पेपर पर हमने क्या करे, एक्स महवर लिए, एक्स महवर पे सेंटर और ऊपर क्या लिए, वाई महवर लिए। सेंटर में जीरो आएगा, राइट साइड क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और इधर लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, निगेटिव नंबर्स। ऊपर की साइड भी क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, नीचे क्या रहेंगे, निगेटिव नंबर रहेंगे। अब दो पैमाना क्या लिखेंगे हम, पैमाना दोनों महवर पर क्या है, एक सम एक इकाई लिखेंगे। दोनों महवर पर एक सम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो महवर है, दोनों महवर क्या है, एक्स और वाई है, हमारे पास दो महवर है, और हर एक पे क्या ले रहे हैं, एक एक सम का फासला है, और क्या है, एक एक इकाई से ले रहे हैं, मतलब एक दो तीन ये क्या करे, एक एक इकाई से ले रहे। इस तरह हम पैमाना लिखेंगे। हमने पैमाना लिख दिए दोनों महवर पर एक सम और एक इकाई, हर महवर पे, दोनों महवर पे क्या कर रहे हैं हम, एक एक सम का फासला ले रहे हैं और एक एक इकाई से ले रहे हैं, इसलिए हमने लिखे एक सम एक इकाई। चलिए अब मोहदुद्दीन लिखते हैं इस पर। हमारी पहली मसावत क्या है, एक्स जमा वाई मसावी पाँच है, उसके मोहदुद्दीन क्या है हमारे पास, जीरो कॉमा पाँच, चार कॉमा एक, दो कॉमा तीन, इस तरह से मोहदुद्दीन है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो कॉमा पाँच लेंगे, जीरो क्या है एक्स पे और वाई पे क्या है हमारे पास, पाँच है, तो जीरो कॉमा पाँच लेते हैं। सबसे पहले मोहदुद्दीन क्या लेना है हमें, जीरो कॉमा पाँच लेना है, जीरो कॉमा पाँच। जीरो क्या थे हमारे, एक्स पे थे जीरो, बोले तो सब पर ही वही रहेगा जीरो, और वाई पे क्या थे, पाँच थे, तो ये आगे हमारे वाई पे के पाँच। तो इस तरह से हमें वहाँ क्या करना है, डॉट डालना है, और डॉट डाल के उसे क्या करना है, अंडर राउंड करना है, और हमने यहाँ क्या लिए, जीरो कॉमा पाँच। अब उसी तरह से हमें सेकंड में क्या लेना है, चार कॉमा एक, तो चार क्या होना चाहिए हमारा, एक्स पे का और वाई पे क्या देने थे हमारा, एक था, तो ये वाई पे का एक इधर यहाँ आया, और ये चार ये कहाँ आकर मिटे, यहाँ पर आके मिटे, जहाँ वो आपस में मिटे वहाँ पर क्या करेंगे, डॉट बना के गोल बना अंडर राउंड कर लेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, चार कॉमा एक। उसी तरह से थर्ड वाला क्या है हमारा, दो कॉमा तीन, दो हमें क्या होना चाहिए, एक्स पे होना चाहिए, और वाई पे कितना होना चाहिए, तीन होना चाहिए, तो ये एक्स पे के दो और ये वाई पे के तीन, ये आपस में आकर यहाँ पर मिटे, तो जहाँ मिटे वहाँ पर इस तरह से डॉट बनाकर उसे अंडर राउंड करें, और वहाँ क्या लिख दिए, दो कॉमा तीन। अब इन तीनों मोहदुद्दीन को हमको क्या करना है, स्केल के जरिए क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है, इसे क्या करेंगे हम, मिला देंगे एक लाइन में। चलिए इसे मिलाते हैं। देखिए हमने ये तीनों पॉइंट को क्या करें, स्केल के जरिए से क्या करें, इन तीनों मोहदुद्दीन को आपस में मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये किसके मोहदुद्दीन थे हमारे पास, कौन सी मसावत के थे, एक्स जमा वाई मसावी पाँच के थे, हम वो मसावत है तो उसी लाइन पर क्या करेंगे, लिख देंगे एक्स जमा वाई मसावी है पाँच, उसके क्या थे, ये मोहदुद्दीन थे, तो हमने वो मसावत वहाँ पर लिए। अब इसी तरह से हमें सेकंड बॉक्स की क्या करना है, मोहदुद्दीन ग्राफ पेपर पर उतारना है। सेकंड ग्राफ के मोहदुद्दीन क्या थे, सबसे पहले तीन कॉमा जीरो थे, फिर चार कॉमा एक, फिर पाँच कॉमा दो, फिर कितने हैं, छः कॉमा तीन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, तीन कॉमा जीरो लेंगे, तो एक्स पे क्या है, तीन है, और वाई पे क्या है, जीरो है, तो तीन कॉमा जीरो लेंगे। चलिए लेते हैं, तो एक्स पे की क्या होना चाहिए, तीन, और वाई पे जीरो, तो सबका एक्स और तीन ये क्या है, सेम है, जीरो क्या रहता है, सेम होता है, तो हमें क्या करना है, तीन कॉमा जीरो, तो हमें ये तीन कॉमा जीरो लिए, इसके मोहदुद्दीन क्या है हमारे पास, तीन कॉमा जीरो, तो हमने ले लिए तीन कॉमा जीरो। फिर क्या है हमारे पास, चार कॉमा एक, चार पे क्या होना चाहिए, एक है, और एक्स पे क्या है, वाई पे क्या होना चाहिए, एक, वो दोनों आपस में आगे क्या मिटे, यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर है पॉइंट, इसलिए नहीं लिखे। उसके बाद क्या है हमारे पास, पाँच कॉमा दो, पाँच कॉमा दिए तो एक्स पे की क्या है, पाँच है, और वाई पे की क्या है, दो है, तो ये वाई पे की दो, ये आपस में आकर क्या मिटे, यहाँ पर मिटे, तो यहाँ हम इस तरह डॉट बना के अंडर राउंड कर लेंगे, और वहाँ लिख दिया मोहदुद्दीन का नाम, पाँच कॉमा दो। फिर उसके बाद कितने दिए हुए हैं, छः कॉमा तीन, एक्स पे के छः है और वाई पे के क्या है, तीन है, तो ये वाई पे के तीन और ये एक्स पे के तीन आपस में कहाँ मिटे, यहाँ पर मिटे, तो इस तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डॉट बनाकर उसे अंडर राउंड कर लेंगे, वहाँ लिख देंगे छः कॉमा तीन। इस तरह से हमने क्या करें, मोहदुद्दीन लिख दिया। अब हम इसकी क्या करेंगे, ये चारों मोहदुद्दीन को क्या करना है हमें, स्केल के जरिए बराबर क्या करना है, ये पॉइंट को क्या करना है, आपस में मिलाना है, तो चलिए इसे मिलाते हैं। देखिए हमने ये चारों मोहदुद्दीन को क्या करें, आपस में मिला दिए। ये मोहदुद्दीन किसके थे, कौन सी मसावत के थे, एक्स वन फी वाई मसावी तीन के थे, उस मसावत को हम क्या करेंगे, उसी लाइन पर लिख देंगे। तो क्या थे, कौन से मसावत के मोहदुद्दीन है हमारे पास, ये एक्स मनफी वाई मसावी है तीन, ये मोहदुद्दीन
के मसाते। इस तरह से हमारी ग्राफ पेपर क्या हो ग्राफ क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एग्जाम में ये 2 मार्क या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसे अच्छे से बनाइए, हल कीजिए इसका सलूशन और ग्राफ पेपर की स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।